तो अब मैं सलमा सिंधु से गुजारिश करूंगा कि वो सबसे पहले तो मैं पर्सपेक्टिव दें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी असर की निगत सईद खान का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा मौसर बनाने के लिए गैर मुल्की तनाजात के साथ मुल्की और इलाकाई तनाजात को भी शामिल बहस रखा। अमन के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए इसलिए भी मुनफरिद नजर आती है कि हमें इसमें कोर्ट ट्राइम वाली जो क्लास होती है उससे ज्यादा उन लोगों की अक्सरियत नजर आती है कि वाकई जो इन तनाजात का शिकार बनते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये फ्लाइट पकड़कर भागने वाले नहीं हैं, और जब भी कोई यहाँ पर बात होती है तो ये अपनी जिंदगी, इनका जीना मरना यहीं पर है। तो ये इजलास भी जो है बंद कमरों के उस इजलास से बिल्कुल मुख्तलिफ है जहाँ पर इस अक्सरियत की शमूलियत के बगैर और उनका मौकिफ जाने बगैर हम लंबी चौड़ी बातें करते हैं और अपने दिल को बहलाकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि हम इस उस अक्सरियत को जो मुल्की, सूबाई और इलाकाई तनाजात का शिकार बने हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ शरीक हैं बल्कि हम इस तनाजात के हवाले से इस तवक्को पर कुछ बात भी करेंगे कि कोटायों की अक्सरियत न सिर्फ इस पर गौर करें बल्कि इस कॉन्फ्रेंस में ही हमारे साथ मिलकर इस तनाजात के मुमकिनात जो हल निकल सकते हो उसके लिए कोई मुस्तकिल हिकमत अमली तैयार करें। ये ना हो कि हम यहाँ पर आए हैं बातें करके चले जाएं और उसके बाद हम रेजोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा पास करा लें। अगर इस सिलसिले में कोई मुमकिन पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि हम मिल बैठकर कुछ इस किस्म की कमेटीज बना सकें, कुछ इस किस्म की चीज बना सकें जो वो मुस्तकिल तौर पर इन तनाजात को देखती आए, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। अब इस सिंध के हवाले से बात करूं तो बात हमारी यहाँ से शुरू होती है, वही के आइन के बनने में 9 साल क्यों लगे। जो 9 साल लगे हैं, जैसे बनी ने बताया कि एक जुबान का भी मसला था, और पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पास जो भी कल्चरल यूनिट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम उनको सूबा कह दें, आप इलाका कह दें, कुछ भी कह दें, उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी हम उनको समझते हैं कि उनकी जबान की वजह से वो मेन फैक्टर होता है जबान का जो उन पर हावी होता है। लेकिन जो है अगर फिर सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध मौजूदा पाकिस्तान के रेफरेंस में वो वाहिद सूबा है जिन्होंने पाकिस्तान के कयाम से पहले ही सिंध असेंबली में पाकिस्तान के लिए बिल पास करवा दिया था और उसकी अक्सरियत ने कबूल किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख की बदकिस्मती भी यह है कि सारे फेडरल यूनिट्स को जो कि 1940 की करारदाद मकासिद के तहत इस फेडरल यूनिट में शामिल हुए थे वो न सिर्फ अनसेटिस्फाइड है, उसके साथ वो एक अदम तहफ्फुज का भी शिकार है क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानते तक नहीं है कि उनका यहाँ पर क्या होने वाला है और जो है उनके फैसले कौन और कहाँ बैठकर कर रहा है। तो मैं लैंग्वेज के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करूंगी इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। सबसे पहला बुनियादी तनाजा जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबों के दरमियान पैदा हुआ वो लैंग्वेज का था। कायम पाकिस्तान के फौरन बाद उर्दू को कौमी जबान बनाया गया जहाँ जिससे फिर बंगाल में जो है फसाद शुरू हो गए और 48 में ही उसको जिना साहब को जाना पड़ा ढाका यूनिवर्सिटी और जहां पर फिर उन्होंने ऐलान किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि उर्दू हमारी कौमी जबान होगी। अच्छा, कयाम पाकिस्तान के बाद जो टोटल माइग्रेशन हुई वो भी असल आबादी का महज 9.8 हिस्सा बनती है, तो इस हिसाब से भी ये फैसला कोई लॉजिकल नहीं लगता था कि उर्दू को कौमी जबान बनाया जाए कि वो जबकि पाकिस्तान के मौजूदा उस टाइम के जो यूनिट बना था उसमें भी उसकी कोई रीजनल स्टेटस भी उस जबान को हासिल नहीं था। बंगाल में और खुसूसन सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर इसका शदीद रद्द अमल सामने आया, लेकिन उसके साथ हमें इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से नई टर्म्स भी मिली, जैसे उन्होंने उनको नाम दिया सूबाई तासुब या लिसानी फिरकेवारियत। हम लोग बात कर रहे थे अपनी हुकूक की तो वो उसको फिरकेवारियत और तासुब में तब्दील कर दिया गया। 1940 की करारदाद पाकिस्तान में पाकिस्तान का ढांचा कुछ और था, लेकिन 40 के बाद पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से बना।
मुहाजरीन की आबादकारी में भी छोटे सूबों के खदशात सही निकले। खैरपुर स्टेट और सिंध में मुहाजरीन आबादी के हिसाब से 11.7% उन लोगों को आबाद किया गया और यहाँ से ही सिंध के अर्बन एरियाज की डेमोग्राफिकल कंपोजिशन को छेड़ा गया और उसको चेंज करने की शहूरी तौर पे कोशिश की गई। बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। यूपी के कल्चर को कराची का कल्चर बना दिया गया और कराची को सिंध की राय को बायपास करते हुए विफाक में शामिल कर दिया था। ये सिंध की कराची से अलहदगी की हिस्ट्री से सूबे की या आप कह लें कि सिंध की वो नेशनलिज्म की उसकी डिप्रिवेशन की एक नई स्टार्ट थी। और फिर जो है मुहाजरीन और पंजाबी इलीट ने मिलकर उसका जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक तरफ पंजाबी हमारी उसमें आर्मी शामिल थी और जो है उर्दू बोलने वालों का जो ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर उसमें शामिल था, उन्होंने एक और जो है इस्तलाह जो है दी पाकिस्तानी इस्लामी शनाख्त, उसमें से जो है हमारे सूबों का बिल्कुल जो है रोल निकल गया। सिंध का उस टाइम पर भी सवाल सिर्फ ये था कि मुहाजरीन को सिर्फ अर्बन एरियाज में क्यों आबाद किया गया है, अगर उनकी रिहेबिलेशन होनी थी, कुछ भी होना था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। तो उसका जवाब हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है कि उस वक्त लियाकत अली खान को इलेक्शन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए थी। कराची को सिंध से अलग की दरअसल सिंध के लिए पाकिस्तान बनाने की पहली कीमत थी जो उसको चुकाना पड़ी। कराची की सिंध से अलगगी का पहला प्रपोजल ही जो सिंध असेंबली में पेश किया गया था वो बड़ी अक्सरियत के साथ उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बावजूद हमें जो अभी आयन और इसके किस्से बैठकर सुनाते हैं तो ये आयन की भी जो वायलेशन है ये यहीं से शुरू होती है, जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है वो उसको किस तरीके से वायलेट करता आता है। कराची की अलगगी के बाद भी सिंधी कौम की शनाख्त पर दूसरा हमला सिंध यूनिवर्सिटी की कराची से हैदराबाद मुंतकली था, जो यकीनन कम तरक्की याफ्ता इलाका था। और कराची से सिंध यूनिवर्सिटी की निकाली से ये हुआ के 1952 में कराची यूनिवर्सिटी के कयाम ने सिंधी लैंग्वेज को लिटरली कराची से धकेल कर बाहर फेंक दिया, जिससे सिंधी जबान के लिए सिंध में कई तहलीकें चली, जिसमें जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, फिर वो शागिर्द थे, इंटेलेक्चुअल थे, लिटररी लोग थे, सब ने भरपूर हिस्सा लिया। 57 और 58 में कराची यूनिवर्सिटी ने सिंधी जबान पर बैन लगा दिया। और मैं आपको वाजे कर दूं कि अब तक कराची यूनिवर्सिटी में इंटीरियर सिंध का कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता जब तक उसके पास कराची का डोमिसाइल हो। इंटीरियर सिंध के डोमिसाइल रखने वालों को अब भी कराची यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन अलाउ नहीं है सिवाय सिंधी डिपार्टमेंट के। हारी कमेटी के हैदरबख्श जतोई ने ये सिंधी जबान को कराची यूनिवर्सिटी से निकालने पर उसने एक रिमार्क्स दिया था, उसने एक पंपलेट लिखा था, उसमें कहा था कि ये ऐलान दरअसल हम सिंधियों के लिए ये ऐलान है कि अब कराची तुम्हारे लिए नहीं है, अब कराची पर से अपना दावा छोड़ दो। जबकि उस वक्त कराची में 5 लाख सिंधी बोलने वालों की आबादी थी। उस वक्त कराची से 5 सिंधी अखबारें डेली निकलती थी और लातादाद हफ्तेवार सिंधी अखबारें वहां पर हफ्तेवार छपती रहती थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो लैंग्वेज के हवाले से हमारा वो सेंटर था जहां से उन्होंने हमें धकेलना शुरू किया। अब सिंधी मुकम्मल तौर पर कल्चर एजुकेशन इकोनॉमिक्स और सियासी सतह पर हर सतह पर महरूमी का शिकार थी। बंगाल की तरह यहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट इस महरूमी के नतीजे में उठने वाली अवामी तहरीक को दबाने के लिए 1 यूनिट थोप दिया गया और इससे सिंध में एहसास महरूमी की शिद्दत में और इजाफा हुआ और नतीजन एक और तहरीक चल पड़ी, क्योंकि अब सिंधी जबान महज रीजनल जबान थी, जहाँ से वो अंग्रेजों से पहले जो उसका स्टेटस था उस स्टेटस से भी उसको कम स्टेटस दिया गया। पाकिस्तान ने तो सिंधी को वो स्टेटस भी नहीं बख्शा जो अंग्रेज हुकूमत के दौर में था। और उस वक्त सिंधी अदीबों की तहरीक, सिंधी अदबी संगत, और यहाँ पर हमारे कुछ हजरात सिंधी अदबी संगत के लोग बैठे हुए भी हैं, वो इस बात के भी गवाह होंगे कि वन यूनिट की मूवमेंट में सिंधी अदबी संगत ने भरपूर हिस्सा लिया और
वो उसने जो है इस बात को रियलाइज किया और पूरी कौम को आगाह किया कि जबान और जबान के और इक्तसादी और सियासी कुव्वत के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। और यही जो है हमारे फिर जो है मूवमेंट जो है सिंधी नेशनलिज्म की मूवमेंट के तौर पर जो है अयूब के दौर में एंटी वन यूनिट तहरीक के नाम से उभरी, जिसमें यहाँ पर हमारी एक और जो है मरियम पली जो साहबा और दूसरे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद इस तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है। अयूब खान की मार्शाला सिंध की तारीख का वो सियातरीन बाब है कि सिंध अभी तक उससे उसके असर से आजाद नहीं हुआ। जब अयूब के दौर में सिंधी जबान को कराची से निकाली दी जा रही थी तो उस वक्त सिंधी नेशनलिज्म में सिंधी शाम और सिंधी दिन के हवाले से हम कुछ इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे कि ताकि वो अपनी इस डिप्रिवेशन को किसी तरीके से किसी हद तक अपने अंदर में कुछ खत्म कर सके। जब कराची सिंध से जुदा हुआ तो उस वक्त कराची में सिंधी स्कूलों की तादाद 57 और उर्दू मीडियम की तादाद 69 थी, लेकिन अब की सूरत यह है कि अब कराची में सिंधी मीडियम स्कूल बिल्कुल ही नहीं है, ये हम 57 की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इक्तिसादी तौर पर हम अगर अयूब हीरा को देखते हैं तो अयूब हीरा में ये कोठरी बैराज बनता है, तो कोठरी बैराज की सारी जमीनें जो है रिटायर्ड फौजियों को अलाट की गई। मैं अभी जो है वो बदकिस्मती से वो आप फिगर्स नहीं ला सकी, वरना मेरे पास इसके फिगर्स भी थे कि कितनी जमीन कहाँ को और किस किस जनरल को दी गई है। तो उससे भी अलावा ये होता था कि अगर कहीं पर मलका तरन्नुम नूरजहां या किसी ने अच्छा गाना गा दिया तो उसको भी जो जमीन तोहफे में दी जाती थी तो वो सिंध की जमीन होती थी। नेचुरली हमने एक ये भी एहसास पैदा हुआ था जिन लोगों को सिंध की जमीनें मिलती थी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में एक उनके खिलाफ एक नफरत का कह लें या एक उनसे एक रिलेशनशिप वो बन जाता था। 11 जून को 1965 में हैदराबाद म्यूनिसिपल कमेटी ने उसने भी सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बाहर निकाल फेंका। यह हैदराबाद कराची हुआ, उसके बाद हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं ठीक। और बात की तारीख तो इससे भी ज्यादा अफसरदा है कि सिंध में जबान और कल्चर के हवाले से फसाद जो हुए वो अलशम्स और अलबदर जैसी जैसी तंजीमों की तरफ से हुए, और हम सब जानते हैं कि वो तंजीमें किसने बनाई और क्यों बनाई, उसका जो है पॉलिटिकल रीजन क्या था। सिर्फ सिंध ही नहीं, पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर ने अपने तमाम सूबों जिनको मैं कौमी यूनिट कहूंगी न सिर्फ मायूस किया मगर उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट का सलूक हमेशा कानूनी जैसा रहा। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं है कि हर डिक्टेटर फौजी जनरल या हमारी जमहूरी हुकूमत ने हमारी आर्मी बलोचिस्तान में हमारे ही लोगों के खिलाफ लड़ी है, और इसी एस्टेब्लिशमेंट की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने हमेशा छोटे सूबे के लोगों को गद्दार और काफर की लेबलिंग का नाम दिया है, फिर वो शेख मुजीबुर रहमान हो, जीएम सैयद हो, खान गफार खान हो, शेर मोहम्मद मरी हो, लेकिन हमने कभी आज तक ये नहीं सुना कि पंजाब के किसी भी बंदे को जो है गद्दार या काफर कहा गया हो। ये भी एक अजीब बात है कि ये एक रिलेशनशिप की जो है निशानदेही करता है कि कानूनी और कानूनाइज जो पीपल्स हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी काफी प्रॉब्लम्स है जो वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ये डेमोग्राफिकल चेंज है, अब सिंध की आबादी जो है असल सिंधियों की आबादी 60% से भी ज्यादा कम हो चुकी है, उसमें नेचुरल और अननेचुरल जो दोनों शामिल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा है अभी हमारे सिंध के वजीर खजाना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मैं थोड़ा सा हवाला दूंगी कि उन्होंने कहा है कि सिंध में 50% बिलो पॉवर्टी लाइन जो है ये रेशियो है गुर्बत का 50%, 82% ये इससे हमारे इसके सूबाई वजीर के जो है डिजिट्स हैं, और उन्होंने कहा है कि 82% जो है अनएम्प्लॉयमेंट है सिंध में। हम सिर्फ यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि जब रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जब सिंध भरता है तो वहां पर सबसे ज्यादा गरीब सूबा हमारा सिंध क्यों है। बस उसके साथ में आपका शुक्रिया अदा करूँगा।